Hello friends, I am Pragati R. Deshna, and as you guys know, this month Apollo CBCC is doing a lot of talk regarding cancer mukti jeevan. So our today's topic is a role of stem cell transplant in a pediatric blood cancer and disorder. And please welcome Dr. Hemant Meghani, Consultant Pediatric Hematology Oncology at Apollo CBCC. Hello, doctor. Hello. Hello, sir. So my first question to you is, sir, ये जो बच्चों में कैंसर होते हैं वो किस किस तरह के कैंसर हो सकते हैं? What are the type of cancer in children? Yes, Pragati. So before I start, I would like to welcome everyone. नमस्कार सबको मेरी तरफ से. और आज से सितंबर जो महीना है वो शुरू हुआ है. और सितंबर महीना वर्ल्डवाइड चाइल्डहुड कैंसर, बच्चों के कैंसर्स जो होते हैं उनका मंथ है. तो इसको चाइल्डहुड कैंसर मंथ कहते हैं. और सो एकदम एप्ट क्वेश्चन है, जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो एकदम सही है आज की तारीख के लिए, कि बच्चों में क्या क्या कैंसर्स हैं और बच्चों में ब्लड कैंसर्स कैसे हैं. तो बच्चों में बॉडी में जैसे बड़ों में सब तरीके के कैंसर होते हैं, ब्लड के, डिफरेंट ऑर्गन्स के, अलग अलग ऑर्गन्स के, वैसे ही बड़ों बच्चों में भी सब कैंसर्स हैं. सबसे कॉमन उनमें से जो है वो है ब्लड कैंसर्स, जिसको हम हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी या भाषा में हम ल्यूकीमिया कहते हैं. तो बच्चों में नंबर वन इज ल्यूकीमिया. देन देयर आर डिफरेंट कैंसर्स डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ, किस कंट्री से या किस रीजन से हैं. ब्रेन के कैंसर्स जिनको ब्रेन ट्यूमर्स कहते हैं, और साथ में जो हमारे बॉडी में लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं जो उनके कैंसर्स, जिनको हम लिम्फोमास कहते हैं. तो ये कॉमन कैंसर्स हैं जो बच्चों में ज्यादा पाए जाते हैं. उसके अलावा रेयर्स और काफी अदर दूसरे कैंसर्स. नाइस, थैंक यू डॉक्टर. माय सेकंड क्वेश्चन इज, अगर किसी बच्चे में वो कैंसर होता है तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेरेंट्स है कि ये जो सिम्टम्स है मेरे बच्चे को ये कैंसर के सिम्टम्स है? जी, तो आज जो हम फोकस करेंगे वो ब्लड कैंसर्स पे करेंगे. तो मैं जो आज सिम्टम्स की बात करूंगा वो ब्लड कैंसर्स के लिए करूंगा. अब ब्लड कैंसर मींस आपके ब्लड जो बोन मैरो से बनता है, बोन मैरो मींस आपके हड्डी के अंदर का जो एरिया है जहां से आपके सारे ब्लड के सेल्स या आपकी कोशिकाएं बनती है. तीन मेजर कोशिकाएं या सेल्स हैं हमारी ब्लड के अंदर. एक है जिनको व्हाइट सेल्स बोलते हैं जो श्वेत रंग के हैं, फिर रेड सेल्स और प्लेटलेट्स. तो जो हमारे ब्लड कैंसर के सिम्टम्स होंगे वो भी इनसे रिलेटेड होंगे, क्योंकि जब ब्लड कैंसर होता है तो ये सेल्स अच्छे से नहीं बन रहे हैं या इनमें जो खराब सेल्स हैं वो बन रहे हैं. तो व्हाइट सेल्स जो हैं वो हमको हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपके व्हाइट सेल्स ढंग से नहीं बन रहे हैं, ब्लड कैंसर हो गया है आपको, तो आपको इन्फेक्शन की रिस्क होगी. तो आपको बार बार फीवर आएगा, ऐसा फीवर जिसके कारण आप अपने लोकल डॉक्टर पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, तो उन जो वो सस्पेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उससे वो फीवर जाता नहीं है और बार बार आता रहता है. तो वो सबसे कॉमन है. दूसरा हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जो आपके रेड सेल्स हैं, उनके कारण आपके अगर वो बराबर नहीं बनते हैं तो आपके शरीर में हर जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है. तो उस कारण से आपको वीकनेस, जो अशक्ति, टायर्डनेस, जो हम रेगुलरली एक्टिव होते हैं उससे कम एक्टिव रहेंगे, तो बच्चे कम एक्टिव रहते हैं उस दौरान. और तीसरा प्लेटलेट. ये प्लेटलेट वो सेल्स हैं जो हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग और ब्लीडिंग के जो बीच का बैलेंस है वो बनाए रखते हैं, कि आपका ब्लड ज्यादा ब्लीडिंग ना हो और उसके अंदर क्लॉटिंग भी ना हो. तो वो आपके सेल्स जो है वो प्लेटलेट उसके लिए है. तो अगर आपको ब्लड कैंसर होगा तो उसके अंदर आपको ब्लीड स्मॉल स्मॉल स्पॉट्स दिखते हैं जो कि आपके लिए ब्लीडिंग का साइन है, कि अंदर आपको थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है. इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं वो भूख कम लगना, वजन घटना जो कॉमन सिम्टम्स हैं, एकदम टायर्डनेस रहना, तो ये ब्लड कैंसर के सिम्टम्स हैं. ये होते ही अगर इनका कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आपको होता है, ऐसा सस्पिशन होता है, तो फिर उसके बाद आपको अपने जो लोकल पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, जो आपके एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियन है, उनको आपको दिखाना है. उसके आगे का जो वर्कअप है या उसके आगे का जो गाइडेंस है वो दे पाते. ओके सर,
अगर किसी बच्चे को मान लीजिए ये सारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं और उनको कैंसर डिटेक्ट होता है, तो आगे चल के उस चीज के लिए ट्रीटमेंट क्या है, ब्लड कैंसर का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा? जी, तो अगर ये सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले हम इस जो सस्पिशन है, जो हमको संदेह होता है कि ब्लड कैंसर हो सकता है, उसको हमें कंफर्म करना है। तो कंफर्म करने के लिए जो शुरुआत होती है, सबसे साधारण जो सबसे कॉमन टेस्ट है सीबीसी, उससे होती है। उससे आपके सेल्स के बारे में पता लगता है, कोई अबनॉर्मल सेल्स हैं उनके बारे में पता लगता है। और उसके बाद जहां से ये सारे सेल्स बनते हैं, जो कि है हमारा बोन मैरो, जो कि अपने बोन के अंदर का जो हिस्सा है उसका टेस्ट होता है, तो जिसको बोलते हैं कि बोन मैरो बायोप्सी की रिपोर्ट होती है, और उससे हम सैंपल लेते हैं। उससे उसके रिजल्ट्स पे कंफर्म होता है कि हमको ब्लड कैंसर है कि नहीं, और अगर ब्लड कैंसर है तो किस टाइप का ब्लड कैंसर है। तो ये होने के बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है। ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको कौन से ब्लड कैंसर है, पर ज्यादातर केसेस में और लगभग सभी केसेस में वो ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी है। कितना ड्यूरेशन और कौन सी दवाएं, वो किस टाइप का कैंसर है और उसकी क्या रिस्क कैटेगरी है, उस पे डिपेंड करता है। ओके सर, जैसे आपने बताया कि जनरली बेसिक ट्रीटमेंट जो है वो कीमोथेरापी है, पर आपने बोला कि ट्रांसप्लांट भी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो अगर बच्चे को कैंसर है तो कैसे पता चलता है कि इस बच्चे को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट है? जी, ज्यादातर, जैसे कि मैंने बात किया, ज्यादातर ब्लड कैंसर का जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है वो कीमोथेरेपी होता है। लेकिन जितना हम ये सोचते हैं उतना सरल नहीं है, क्योंकि जब हम ब्लड कैंसर की इनिशियल टेस्टिंग करते हैं तो हम उनकी रिस्क देखते हैं। रिस्क जानने का ये अर्थ है कि इनको, जब हम कीमोथेरेपी से इनका ट्रीटमेंट करते हैं इन कैंसर्स का, तो हमें कितना अच्छा रेस्पॉन्स मिल सकता है। तो उसके हिसाब से अगर लोअर रिस्क वाले जो कैंसर्स होते हैं उनमें ज्यादातर कीमोथेरेपी से ही इलाज हो जाता है। लेकिन जो रेयर कुछ ऐसे उनके टाइप होते हैं जो हाई रिस्क में आते हैं, उनके अंदर खासकर, या फिर ऐसे कैंसर्स जिनका हमने इनिशियली ट्रीटमेंट किया कीमोथेरेपी से, या तो उनको उनका रेस्पॉन्स ही नहीं आया, या फिर उनका रेस्पॉन्स आने के बाद कुछ समय के बाद बीमारी वापिस आ गई, जिसे हम बोलते हैं रिलैप्स, अगर बीमारी का रिलैप्स हुआ। तो जब इन टाइप के जो कैंसर्स होते हैं, जो जो हमें ये दर्शाते हैं कि ये कठिन है, ये इजी वाले कैंसर्स नहीं है, इनका फर्स्ट लाइन थेरेपी से इलाज नहीं हुआ है, उनके अंदर जो उन हार्ड टू ट्रीट जो कैंसर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, और जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स। ओके, तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है वो किस हिसाब से रहता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं, क्योंकि ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही पेरेंट्स को बहुत डर बैठ जाए, तो थोड़ा सा उसका प्रोसेस हमें डिटेल में बताइए सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसप्लांट जब भी वर्ड आता है तो एक थोड़ा सा डर जरूर आ जाता है। ट्रांसप्लांट का मतलब है इन सिंपल में कि जो भी बॉडी के बाहर से कुछ ऐसी चीज जो बॉडी में लाई जाए, तो ट्रांसप्लांट किया हमने उसको दूसरी जगह से। तो जो डर है वो इस बात का भी है कि जो दूसरे ट्रांसप्लांट हम सुनते हैं, जैसे कि किसी का लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ या किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, तो उसमें बड़ी सर्जरी होती है, दूसरे का लीवर का पार्ट या किडनी आपके अंदर डाली जाती है, तो इस कारण डर है। तो बोन मैरो जो ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर है उसमें कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, कोई भी सर्जरी नहीं होती है। ये आप जो सेल्स होते हैं बोन मैरो के अंदर के, जिनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, जिनसे कि हमारा पूरा ब्लड बनता है, वो आपको दिए जाते हैं। वो दिए जाते हैं एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह, जैसे कई चीजों के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है, तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह एक आईवी की नली से, बड़ी आईवी की जो लाइन होती है उससे आपको ये ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो कोई सर्जरी नहीं। दूसरा, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के टाइप्स होते हैं, एक टाइप का ट्रांसप्लांट ऐसा है जो बहुत बच्चों में कम है पर फिर भी यूज आता है, वो है ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि आप ही के बॉडी के स्टेम सेल्स ले लिए, फिर आपकी जो बीमारी थी उसको खत्म करके वापस वही स्टेम सेल्स आपको दिए गए। लेकिन जो ज्यादा कॉमन है जो बच्चों के बीमारियों में, कैंसर्स में या दूसरी बीमारियों में, वो है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। इसका मतलब है कि आपके अंदर बीमारी है तो हम दूसरे ऐसे इंसान के सेल्स लें, स्टेम सेल्स, जो आपके डोनर की तरह काम करें, जो आपसे मैच खाते हो
और जिनके स्टेम सेल्स आपको देने पर आपको जो बीमारी है वो आपकी चली जाए और आपका जो नॉर्मल ब्लड सेल्स की जो जो बनने की है प्रोसेस वो शुरू हो जाए। तो ये होता है इसमें जो अब इनको प्रोसेस में डिवाइड करें तो सबसे पहले ट्रांसप्लांट में पूरा एक अच्छा चेकअप होता है जिससे कि हम देखते हैं कि सब फिजिकली ठीक है ट्रांसप्लांट के लिए। उसके बाद जो डोनर के स्टेम सेल्स होते हैं उनको मैचिंग करके उनका कलेक्शन होता है। फिर जिस बीमारी के लिए हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उस बीमारी के लिए कुछ कीमोथेरेपी के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो जो उस बीमारी के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं वो हाई डोज पे दिए जाते हैं। अब हाई डोज पे वो कीमोथेरेपी देने के कारण जो हमारे पूरी बीमारी का जो है जेनेटिक लेवल पे जो स्टेम सेल्स लेवल पे वो पूरी खत्म हो जाती है। तो अब बॉडी के पास नए स्टेम सेल्स कहाँ से आएंगे, इसलिए वो जो डोनर के स्टेम सेल्स है वो आपको इन्फ्यूज किए जाते हैं। फिर बॉडी उन स्टेम सेल्स को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद आपका ट्रांसप्लांट की सक्सेस होती है। थैंक यू सर। क्या हम ट्रांसप्लांट जो है वो ब्लड और ब्लड डिसऑर्डर के अलावा किसी और डिसीज में भी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है बच्चों को? अभी अपन ने अभी तक जो बात की है वो केवल ब्लड कैंसर की बात की है। उसके अलावा भी बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं जो कैंसर में नहीं आते हैं। जैसे ब्लड कई बार बन ढंग से नहीं रहा है या एकदम कम बन रहा है। बच्चों में जो कॉमन है, खासकर हमारे देश में जो बहुत कॉमन बीमारियां हैं वो है ब्लड ढंग से नहीं बनने की। इसका अर्थ ये है कि जब हमारा एक सेल्स जो हमने बात की रेड सेल्स या हीमोग्लोबिन वो जब बनता है बोन मैरो से तो हमारे ब्लड में आके 3 से 4 महीने तक वो रहता है। फिर वो अपना काम करता है, फिर वो सेल्स टूट जाते हैं, तब तक बोन मैरो कुछ नए सेल्स बना देते हैं, तो आपका पूरा संतुलन रहता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि ये सेल्स बराबर नहीं बन रहे हैं और जल्दी टूट जा रहे हैं तो आपका हीमोग्लोबिन बार बार कम हो जाएगा। तो आपको उसका लिए यहाँ तो आपको बाहर से ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा ताकि आपका वो मेंटेन रहे, या फिर उसका लेकिन वो क्योर नहीं है, वो आपको मेंटेन करने के लिए आपको करना है। तो क्योर करने के लिए कि ब्लड वापस से अच्छे से बनना शुरू हो जाए उसके लिए ट्रांसप्लांट आता है। तो जो कॉमनेस्ट बीमारियां हैं जो इंडिया में वो बहुत कॉमन है, काफी लोगों ने नाम भी सुने होंगे, थैलेसीमिया जो बच्चों में काफी देखा जाता है जिनके लिए उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, और सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया भी थैलेसीमिया के जैसे ही पर थोड़ी अलग बीमारी जिसके थोड़े प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, लेकिन दोनों में अगर अच्छा डोनर मिल जाए जिस जो आपसे मैच है तो ट्रांसप्लांट के बाद इनका क्योर हो जाता है बहुत अच्छे सक्सेस रेट्स के साथ। थैंक यू सर, दैट वॉज अ वेरी डीप इन्फॉर्मेशन। बट सर स्टिल आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ क्वेश्चन कि ये जो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया की आपने बात की, व्हाट आर दिस टू डिसीज, मतलब उसमें क्या होता है, क्या सिम्टम्स रहते हैं? जी, ये दोनों ब्लड नहीं बराबर बनने के डिजीजेस हैं। इनमें ब्लड बन नहीं रहा है बराबर। तो जो हम साधारण हीमोग्लोबिन की बात करते हैं कि नॉर्मल कितना होना चाहिए उतना नहीं रह पाता है। हम बात करते हैं 10, 11, 12 से ज्यादा होना चाहिए, एज पे डिपेंड करता है कई बार। लेकिन अगर बन बराबर नहीं रहा है तो हम थैलेसीमिया के पेशेंट्स में देखते हैं कि वो बार बार गिर के 6, 5 पे आ जाता है, और उस लेवल पे आपके पूरे शरीर को ऑक्सीजन भी बराबर नहीं पहुंचती है, वो आपके ऑर्गन्स के लिए भी सही नहीं है, तो फिर हमें बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। लेकिन वो जो बाहर से ब्लड दे रहे हैं वो भी कुछ टाइम तक काम करता है, फिर वापस आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं, इस टाइप के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज। ये हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। बोलने का मतलब है कि इन इफेक्टिव वे में हमारा ब्लड बन रहा है, इफेक्टिव वे में नहीं। और थैलेसीमिया की जैसे बात करें तो उसका जो कॉमन इलाज है ट्रांसप्लांट के सिवाय वाला वो है कि उसको मेंटेन किया जाए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। एक लिमिट के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार लगने के भी प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड की मैचिंग मिलने में तकलीफ आती है, और दूसरा ब्लड देने के कारण अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनमें जो ब्लड के अंदर आयरन का जो धातु होता है उसका डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए भी दवाइयां लेनी पड़ती है, प्रॉब्लम है। तो एक लिमिट के बाद इन डिसऑर्डर्स की एक्सपेक्टेंसी जो हम आज की तारीख में भारत में लोगों की एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 70 के आसपास है, तो हम 70 तक आम तौर पे एक इंसान जीता है, लेकिन इन थैलेसीमिया बीमारी या ऐसे इस टाइप की बीमारी में वो आधी हो जाती है। तो आपकी आधी लाइफ है, आप इतना अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर लाइफ आती है। तो इसका क्योर क्या है, क्योर क्या है वो है ट्रांसप्लांट, जो उसके आपको फ्रेश स्टेम सेल्स दे दिए
लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात जानने की है कि वो जितना जल्दी हो सके, जितने आपको कम ट्रांसफ्यूजन्स मिले हों, जितने आपके बॉडी के अंदर थैलेसीमिया के या ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने के कारण कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम से कम है, तो उतना ही स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सक्सेस अच्छी होती है। साथ में आपके पास जितना अच्छा डोनर है मैच, उतना अच्छा ट्रांसप्लांट की सक्सेस रहती है। ऐसे ही सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज में भी ब्लड बराबर नहीं बनता है, ब्लड के जो शेप होते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके अटक जाते हैं, जिसको हम क्राइसिस बोलते हैं, और उसके कारण पेनफुल प्रॉब्लम होती है, आपको हर जगह दर्द बहुत होता है, और उनको भी बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की किसी किसी सीवियर केसेस में जरूरत पड़ती है। तो उन डिसऑर्डर्स में भी आगे जाके लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी, एक एज के बाद। तो उनका भी यंग एज पे मैच अगर आपके पास डोनर है तो उससे ट्रांसप्लांट करने पे अच्छे सक्सेस रेट्स। ओके सर, जैसे आपने बताया कि ट्रांसफ्यूजन वगैरह जो है वो एक हद तक ही यूजफुल है, तो सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया में ट्रांसप्लांट का रोल कितना रहता है सर ट्रीटमेंट में? तो इन दोनों ही डिजीजेस के लिए आज की तारीख में इन पे बहुत रिसर्च चल रही है कि जीन थेरेपी से या इनका इलाज किया जाए, कि क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है कि इनमें कोई एक जीन का म्यूटेशन होता है या कुछ तकलीफ होती है तो वो उस कारण होते हैं, तो उनका जीन थेरेपी से इलाज किया जाए। पर आज की तारीख में जो ओनली क्यूरेटिव ऑप्शन है, क्यूरेटिव ऑप्शन का मतलब जो इसको पूरी तरीके से क्योर कर देगा, एक समय के फॉलोअप के बाद आपको ज्यादातर केसेस में बिल्कुल दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी, आप एकदम ट्रांसफ्यूजन से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे, आपको कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं, वो क्यूरेटिव ऑप्शन ओनली स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो हम कहते हैं वो है। इसमें आप अगेन जो मैंने थोड़ा पहले इस पे डिस्कशन किया कि अपन हाई डोज पे कीमोथेरेपी देके जो वो खराब वाले सेल्स हैं, जो वो खराब तरीके का इनएफेक्टिव ब्लड बना रहे हैं, उसको खत्म करते हैं। अब वो बोन मैरो में जगह है जहां पे हम फ्रेश स्टेम सेल्स जो हमने कलेक्ट किए होते हैं डोनर से वो इन्फ्यूज कर सकते हैं, और उसके बाद उनको टाइम देते हैं कि वो बॉडी में सेट हो जाए और फ्रेश इफेक्टिव वे में, सही वे में ब्लड का प्रोडक्शन शुरू करें, तो उस कारण फिर आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़िया रहता है, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं, धीरे धीरे जो ट्रांसप्लांट के बाद की भी जरूरती दवाइयां हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसमें मैंने एक जोर दिया था कि जितना कम एज पे ट्रांसप्लांट हो या जितना कम रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस पे ट्रांसप्लांट हो उतना अच्छा है। दोनों ही डिजीजेज में अलग अलग रिस्क हमको देखने के क्राइटेरिया हैं कि कितना रिस्क हो सकता है ट्रांसप्लांट का, वो उससे हम इवेल्युएट करते हैं, पर अगर लोअर रिस्क पे कम एज पे इन चीजों का ट्रांसप्लांट हो, तो अगर फुल सिबलिंग अच्छा ऐसा मैच मिलता है जो भाई बहन हो, जो पूरा मैच हो, तो अप टू 90% इनके सक्सेस रेट है, इवन हायर कुछ सेंटर्स पे, और उससे मतलब आप 10 में से 9 लोग पूरी तरीके से क्योर और उनको आगे कोई प्रॉब्लम, और जो उनके जो एक 10% जो ऐसे हैं जिनको सक्सेस नहीं होता है, उनको वापस से वो ट्रांसफ्यूजन पे जाना पड़ता है, पर वो परसेंटेज बहुत कम है, इतना हायर जो है सक्सेस रेट वो हमें इन डिजीजेस में देखने को मिलता है। अगर आप इसके ये वन टाइम प्रोसीजर मोस्टली सक्सेस के साथ, उसके अगेंस्ट हर मंथली या कई बार उम्र के साथ आपको महीने में 2 बार ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उससे रिलेटेड दवाइयां लेना, हर कुछ कुछ महीने में टेस्टिंग कराना, उसके कारण दवाइयों में चेंज करना, एक लेवल के बाद ये सब करने के बाद आपके ऑर्गन्स पे डिसफंक्शन होगा। तो अगर मैच है तो बिल्कुल सबको ये सजेस्ट आज के तारीख में किया जाता है कि आप अर्ली एज पे ही इसकी तरफ आप इंक्लिनेशन दिखाएं, इसकी तरफ इच्छा दिखाएं, और अपने डॉक्टर, एक जो हिमेटोलॉजिस्ट है पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट जो करते हैं, ऐसे एक हिमेटोलॉजिस्ट से आप मिलें और इसके बारे में समझें, उस सेंटर के बारे में और जानकारी लें, उस प्रोसेस के बारे में और जानकारी लें, और फिर आप इसकी तरफ आगे बढ़ें। सर, जस्ट हमने बात किया कि ये जो सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया वगैरह है उसमें अपना सक्सेस रेट ट्रांसप्लांट का अच्छा है, तो जो छोटे बच्चे हैं और जो बड़े बच्चे हैं सब में ट्रांसप्लांट का रेट सेम है या उसमें कोई प्लस माइनस है सर? जी, मैंने जैसे बोला इन दोनों बीमारी के लिए जितना कम एज पे हो ट्रांसप्लांट अच्छा, तो हम ज्यादातर दोनों बीमारी में ऐसे बोलते हैं 10 से नीचे या इवन 5 से नीचे जितना हो सके
ये बीमारी, ये दोनों बीमारियां ऐसा है ज्यादातर केसेस में आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगी, 1 साल 2 साल में ही आपको पता चल जाएगी कि आपके बच्चे को ये बीमारी है कि नहीं। तो आप इस बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं अपने डॉक्टर के साथ, क्योंकि सब कुछ होते होते प्रोसेस में टाइम लगता है और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको पता करना पड़ता है कि ट्रांसप्लांट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या जरूरत है। तो अर्ली एज पे, हाँ लेट एज में भी ये ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। आज की जो एडवांसेस के कारण अब हम 20 साल से तक, 25 साल तक के लोगों में भी ये कर पा रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि उस समय तक आपको बहुत ट्रांसफ्यूजन्स लग चुके होंगे, तो आपका ऑर्गन जो है वो मे बी उनमें किसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, एकदम पूरा 100% फंक्शन नहीं हो, तो उस कारण वो कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट, और इसी कारण उनका सक्सेस रेट भी थोड़ा कम होता है। पर स्टिल उस समय भी ये क्योर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास पूरा मैच कोई आपका डोनर है। राइट सर, सो अगर हम लोग आप हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसप्लांट में एक डोनर का रिक्वायरमेंट रहता है, सही। सपोज अगर किसी बच्चे में हम लोग ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं पर डोनर उनकी फैमिली से मैच नहीं मिल रहा है आगे, तो फिर उनको डोनर लाने के लिए कहाँ से मिलता है, वो कैसे किसी को मैच होता है ऐसे केसेस में, दूसरा चीज कि कोई डोनेट कर सकता है ऐसे बच्चे को? बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है। जो डोनर सिलेक्शन की प्रोसेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ह्यूमन का जो हम जो टेस्ट करते हैं, बेसिक टेस्ट, उसके डिटेल में ना जाके, उसका नाम होता है HLA, मतलब आपको जेनेटिक लेवल पे हम मैचिंग करते हैं कि सामने वाले के जब स्टेम सेल्स लेंगे हम तो वो आपसे मैच अच्छे से करेंगे, बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगी और आपके अंदर सेट हो जाएंगे। तो एक आदमी में जो उनका जेनेटिक मेकअप होता है या जेनेटिक जो बनाव होता है वो आधा अपने माँ से आता है, आधा अपने पिता से आता है। तो सबसे ज्यादा जो मैच होने के चांसेस होते हैं वो फैमिली में होते हैं, और फैमिली में भी खासकर अपने सगे भाई बहन के। तो अगर आपका कोई सगा भाई बहन है जिसको वो बीमारी नहीं है और वो उससे आपका टेस्ट कराया जाए, अगर वो मैच है तो सबसे अच्छा, उसको हम बोलते हैं मैच्ड सिबलिंग, मतलब जो सिबलिंग है आपका, आपका भाई बहन, वो आपसे मैच कर गया, उस टाइप का ट्रांसप्लांट। तो मैच सिबलिंग ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा रिजल्ट उसका, और आपके घर में से ही आपको डोनर मिल गया है। वो नहीं होता है तो कई बार हम पेरेंट्स का चेक कर लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स में से ही आपका म्यूटेशन आ रहा है, तो वो बहुत रेयर केसेस में फुल मैच मिल जाता है, पर कुछ केसेस में वो हाफ मैच भी मिलता है। लेकिन अगर आपके पास फुल मैच नहीं है, कुछ बीमारियों के लिए जैसे कि कैंसर्स होते हैं, उसमें हम हाफ मैच के ट्रांसप्लांट में भी आज की तारीख में कोई ऑप्शन, रिलैप्स हो गए हैं बीमारी, तो उनमें वो करते हैं और उनके रिजल्ट्स भी हमें अच्छे हैं, क्योंकि उसके पास उसके अलावा कोई लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं होती। लेकिन दूसरा तरीका बाहर में डोनर्स को देखने का, वो ऐसा है कि बहुत सारे देशों में और हमारे भारत में भी अब स्टेम सेल की रजिस्ट्री होती है। ऐसे रजिस्ट्री का मतलब ऐसा लिस्ट है जो लोग मेंटेन करते हैं, कंपनीज मेंटेन करती हैं, संस्थाएं मेंटेन करती हैं, जिसमें कि जो स्टेम सेल डोनर हैं उन सब की लिस्ट है, उनका जो ये टेस्ट मैंने बोला HLA उसका रिपोर्ट है, तो वो सब कुछ है उनके पास। अब आप अपने बच्चे का या बच्ची का आप HLA रिपोर्ट कराइए, अगर मैच नहीं आ रहा है तो उस रजिस्ट्री में आप दे दीजिए, तो वो अपने लाखों डोनरों से मैच करके देखते हैं, फिर अगर उसमें से आपका फुल मैच आ जाता है तो वो बहुत बढ़िया। तो उसमें आपकी वो रजिस्ट्री आपकी हेल्प करती है, कुछ उसका कॉस्ट होता है, पर वो आपकी हेल्प करती है कि उस डोनर से कांटेक्ट करके, उस डोनर से को कन्विंस करके, उसका पूरा टेस्टिंग करा के, स्टेम सेल्स कलेक्ट करके वो हमको दे सके, जो कि हम हमारे ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकें। That was very useful information, sir. Sir, my next question is कि generally cancer का treatment लंबा होता है. This is not a process कि एक या दो दिन में खत्म हो जाए, वो लंबा खींचता ही है. So ये जो transplant का process है या treatment है, वो कितने दिन का रहता है generally, कितने time तक चलता है? तो कैंसर में आपकी बात एकदम सही है, जो कीमोथेरेपी जो हम ब्लड कैंसर के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं, उनके ट्रीटमेंट कई महीनों तक चलते हैं, अलग डिजीज के अलग ट्रीटमेंट, पर साइकिल्स के हिसाब से कई महीने चलते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है उसके स्टेज हैं, जो मैंने पहले भी शुरुआत में थोड़ा बताया था। पहला स्टेज जो है वो है कि आप HLA टाइपिंग करा के और डोनर का सर्च कीजिए, अगर घर में है तो आप अपने भाई बहन मम्मी पापा का चेक कीजिए, नहीं तो आप रजिस्ट्रीज जो हैं जो कि HLA चेक करते हैं आपके लिए, वहां चेक कीजिए।
ये फर्स्ट है। इससे आपको पता लगेगा कि आपके पास डोनर है और कहाँ से है वो डोनर। उसके बाद बोथ जो पेशेंट है उसका भी और डोनर दोनों का वर्कअप होता है, ये देखने के लिए वो फिट है ट्रांसप्लांट के लिए नहीं। वो पूरी बॉडी का, होल बॉडी का कॉम्प्रिहेंसिव वर्कअप होता है, पूरी तरीके से सेफ होना चाहिए पेशेंट के लिए भी, और जो डोनर हमको स्टेम सेल्स दे रहा है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा सेफ होना चाहिए, उसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरा प्रोसेस है कि जो हम पेशेंट को एडमिट करके उसको कीमोथेरेपी देते हैं, जिससे कि वो जो अभी उनके अंदर बीमारी है वो खत्म हो जाए, उस एकदम स्टेल सेल्स भी जो खराब स्टेम सेल्स हैं जो ये बना रहे हैं वो एकदम खत्म हो जाए। ज्यादातर बीमारियों में इसके साथ साथ कई बार इससे पहले जो डोनर के स्टेम सेल्स हैं वो कलेक्ट करने का एक स्टेज होता है, तो वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं कई बार साथ साथ, कई बार वो स्टेम सेल्स कलेक्ट कर लिए। हम पेशेंट को कीमो देंगे, कुछ दिन कीमो जाने के बाद जो हमने स्टेम सेल्स ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं या कलेक्ट आज या कल में हो रहे हैं वो हम वो स्टेम सेल्स उनको दे देते हैं। फिर वेट होता है कि ये बॉडी उन स्टेम सेल्स को एक्सेप्ट करेगी और नए तरीके से सेल्स बनाना शुरू करेगी। तो स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट एक स्पेशल रूम में होता है जिनके अंदर इंफेक्शन की रिस्क सबसे कम हो सके, तो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेंटर पे ये प्रोसेस किए जाते हैं। जो रूम्स हेपा फिल्टर जो एक अच्छे एकदम हाई क्वालिटी जो फिल्टर जो आज के कोरोना के टाइम में सब लोग सुन भी रहे होते हैं ऐसे फिल्टर्स के नाम, उनके अंदर उन रूम्स के अंदर ही किया जाता है, बाहर का कोई इन्फेक्शन आपको ना लगे, खुद के इन्फेक्शन लगने की भी रिस्क कम से कम हो, खुद के बॉडी के जो इन्फेक्शन हो सकते हैं उनके। तो पहले का प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन के डोनर लेने में कितना टाइम लगता है, 15-20 दिन 1 महीना, जिसमें आप डोनर की स्क्रीनिंग और उनकी टेस्टिंग होती है और उसके बाद आपकी फिटनेस टेस्टिंग होती है। एडमिशन का प्रोसेस डिपेंडिंग 3 से 5 हफ्ते, तो हम एवरेज 1 महीना बोलते हैं कि 1 महीने के आसपास आपका एडमिशन होता है, उसके बाद आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, आपका सेल्स आ जाते हैं डोनर के और आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। उसके बाद जो फॉलोअप है वो ओपीडी बेसिस पे होता है, वो डिपेंडिंग कि कौन सी बीमारी के लिए है 3 महीने से लेके 1-2 साल तक का फॉलोअप होता है। उसमें धीरे धीरे जो पोस्ट ट्रांसप्लांट की जो हमारी केयर होती है जिसमें हम मेडिसिन देते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो सके, वो धीरे धीरे टाइम के साथ बंद की जाती है और ये सब पूरा जो पोस्ट ट्रांसप्लांट सक्सेस को मॉनिटर किया जाता है। सो सर, जैसे आपने बताया कि ट्रांसप्लांट के लिए बहुत स्पेसिफिक अरेंजमेंट की रिक्वायर होती है, सो डॉक्टर हेमंत, व्हाई अपोलो सीबीसीसी कैंसर केयर इज अ बेस्ट फॉर ट्रांसप्लांट? ट्रांसप्लांट के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो समझना जरूरी है। एक सेंटर की फैसिलिटी ये जरूरी है कि आपके सेंटर में इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे इस टाइप के ट्रांसप्लांट किए जा सकें। पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन ये चीजों की रिक्वायरमेंट होती है डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके के ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं। हेपा फिल्टर जो मैंने आपको बताया वो फिल्ट्रेशन एकदम अच्छा हो, नर्सिंग से लेके पूरा जो हॉस्पिटल का स्टाफ हो वो हाईली स्किल्ड हो ऐसे पेशेंट्स की केयर करने में, क्योंकि काउंट्स एकदम कम होते हैं, इन्फेक्शन की रिस्क बहुत ज्यादा, जो सबसे ज्यादा जो तकलीफ आती है वो इन्फेक्शन से रिलेटेड आती है, तो उसके लिए। दूसरा जो पूरी डॉक्टर्स की टीम है उस टीम का पूरा ट्रेनिंग कैसा है, वो ट्रेनिंग ट्रांसप्लांट में है कि नहीं है, और ट्रांसप्लांट में ट्रेनिंग है तो किस लेवल का ट्रेनिंग है, और उन्होंने बोथ एडल्ट्स में भी ट्रांसप्लांट किए हुए हैं, पीडियाट्रिक में अगर आप पीडियाट्रिक में कराना चाहते हैं तो वो भी एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। और उसके बाद वो टीम के साथ पूरे जो सपोर्टिव दूसरे डॉक्टर्स की हैं, अगर दूसरे और बीमारियों के लिए साथ साथ अगर कॉम्प्लिकेशंस के लिए मैनेज करना है कि नहीं, और एक्सपीरियंस आपके ट्रांसप्लांट में या आपके जो आपको जो जिस टाइप की बीमारी है उस टाइप के ट्रांसप्लांट में उनका क्या एक्सपीरियंस है और उनके रिजल्ट्स कैसे हैं और वो उनका प्रैक्टिस कैसा है, तो ये बहुत। तो अपोलो में जो आपने ये सवाल पूछा, तो अपोलो में जैसा कि हम जानते हैं कि 200 से ज्यादा ट्रांसप्लांट्स किए जा चुके हैं अहमदाबाद अपोलो में, और जो स्टैंडर्ड तरीके से जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्ल्ड क्लास वो है, और उसके साथ जो टीम है वो भी काफी इसमें ट्रेंड है। बाकी जब हमसे पेशेंट्स या फैमिलीज मिलने आती हैं, पेरेंट्स मिलने आती हैं, तो हम उनको ये सब और डिटेल में बताते हैं और समझाते हैं, क्योंकि ये चीजों पे पेशेंट्स और फैमिली का ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही एक स्किल्ड और बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, और तो एक ट्रस्ट के बाद ही इस पे आगे बढ़ा जा सकता है।
थैंक यू डॉक्टर हेमंत, आपकी बहुत सारी जानकारी शेयर करने के लिए। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवर व्यूअर्स, अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो वो डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हेलो डेनियल, सर डेनियल का क्वेश्चन है कि हाउ ऑफन वी शुड गेट टेस्टेड फॉर द ब्लड कैंसर? जी तो अच्छा क्वेश्चन है। ब्लड कैंसर के लिए जो मैंने शुरुआत में सिम्टम्स बताए थे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है टेस्टिंग से। अपने अगर एकदम अच्छा बच्चा है जिसको कोई तकलीफ नहीं है, सब खेलता है, सब कुछ है, आप रेगुलर पीडियाट्रिशियन को दिखाने जाते हैं, वो कहते हैं कि सब हेल्थ बढ़िया है, हाइट, वेट, ग्रोथ, वजन सब अच्छा बढ़ रहा है, तो आपको बहुत टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। पीडियाट्रिशियन के पास उनकी गाइडलाइंस होती हैं कि कितने कितने ड्यूरेशन पे उनको ब्लड का चेक करना चाहिए, काउंट्स चेक करने चाहिए, तो वो चेक करते हैं, पर एडिशनल कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स है जो हमने इनिशियली डिस्कस किए कि अगर आपको बार बार बुखार आ रहा है, कमजोरी है, वजन घट रहा है, आपका बच्चा एक्टिव कम है, तो आपको तुरंत ही पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए, उसमें वेट करने का बात ही नहीं, और आप जाके पीडियाट्रिशियन से मिले, वो देख के आपसे आपकी हिस्ट्री लेके आपको एग्जामिन करके वो डिसाइड कर पाएंगे कि सबसे जल्दी क्या टेस्ट करके और कैसे इसके बारे में पता लगाया जा सके। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दर्शना। हाउ इज ब्लड कैंसर फॉर्म्ड? सो जैसा कि मैंने शुरुआत में थोड़ा सा इस पे किया था कि ब्लड जो हमारा है वो अपनी हड्डियों के अंदर बनता है, हड्डी के बीच का जो हिस्सा होता है वो बोन मैरो कहते हैं। हमारे जो व्यूवर्स में से कुछ नॉन वेजिटेरियन होंगे तो वो समझेंगे कि हड्डी के अंदर जो एक लाल हिस्सा होता है वो वहां से खून बनता है, तो वो बनने में प्रॉब्लम है। ज्यादातर केसेस में एक कोई सेल्स है वो किसी वजह से खराब हुआ, फिर एक से दो, दो से चार मल्टीप्लाई करके वो बनना शुरू करते हैं, और जो खराब है वो फास्ट ग्रो करते हैं, और जो उसी ब्लड बोन मैरो में जो नॉर्मल सेल्स बन रहे हैं उनको दबा देते हैं और उनकी जगह वो पूरा रिप्लेस कर देते हैं। ज्यादातर केसेस में इसका कोई कारण नहीं मिलता है कि किस वजह से ये जो एक सेल है ये खराब हुआ, पर लेस देन 5% केसेस में, खासकर बच्चों में, जेनेटिक कारण हो सकते हैं। किसी जेनेटिक म्यूटेशन के कारण हमारी रिस्क है कि हमें कैंसर ज्यादा हो सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्लड कैंसर, और इस कारण हमें हुआ, पर 95% से ज्यादा केसेस में ये पता नहीं चलता। लेकिन ये पता है कि एक सेल्स खराब बने तो फिर वो मल्टीप्लाई कर करके ज्यादा सेल्स बनाते हैं, और एक लेवल के बाद जब वो सेल्स खराब वाले होते हैं तो आपको सिम्टम्स आने लगते हैं ब्लड कैंसर के। थैंक यू डॉक्टर हेमंत। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रवि। विल आयुर्वेदा ट्रीटमेंट बी बेनिफिशियल इन अ ब्रेस्ट मेटास्टेटिस? शुड वी ट्राई आयुर्वेदा ट्रीटमेंट अलोंग विथ एलोपैथी? आई थिंक ओके जी, सो ये क्वेश्चन आई डोंट ब्रेस्ट डिजीज का था, तो मैं इस पे बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन तो नहीं दे पाऊंगा, पर क्योंकि मैं काफी कीमो ट्रीटमेंट्स में इन्वॉल्व रहता हूँ ब्लड कैंसर्स और अदर कैंसर्स के बच्चों में, तो ये जरूर बोलूंगा कि ज्यादातर इन प्रिंसिपल दोनों अच्छी धाराएं हैं, लेकिन दोनों को मिला के एक साथ ट्रीटमेंट ना करें। अगर आप एलोपैथिक लाइन ऑफ केयर पे चलते हैं तो एलोपैथिक लाइन ऑफ केयर, और अगर आयुर्वेदिक लाइन ऑफ केयर पे चलते हैं तो उस पे, दोनों का मिक्स करने से अंदर इंटरेक्शन होते हैं, एक दवा का दूसरे दवा से बॉडी में इंटरेक्शन होता है, और वो आयुर्वेद वाले लोगों को आयुर्वेद के मेडिसिन का आपस का इंटरेक्शन पता होता है, एलोपैथिक वालों को, तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ज्यादातर केसेस में फिर वो बेनिफिट करने की जगह हार्म करता है, तो दोनों साथ में तो डेफिनेटली ट्राई नहीं करते। थैंक यू डॉक्टर हेमंत, थैंक यू रवि। यू कैन गो थ्रू अवर प्रीवियस सेशन एज वेल, यू विल फाइंड ऑल योर आंसर रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर। सॉरी सर फॉर दैट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हर्ष। इज देर एनी सिंगल मोस्ट कॉमन कॉज फॉर गेटिंग अ ब्लड कैंसर? जैसे मैंने बोला कि कॉज हमें 96% से ज्यादा केसेस में पता ही नहीं चलता पीडियाट्रिक में। पीडियाट्रिक ब्लड कैंसर्स में एक सेल्स किसी न किसी वजह से खराब हो जाता है और उसके बाद शुरू होता है। जो कॉमनेस्ट कॉज जो है वो लेस देन 5% में है, तो उनको आप कैसे कॉमन कहेंगे, जिनमें की कोई जेनेटिक आपको प्रॉब्लम है, जो जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं जिनके कारण आपके कैंसर होने के आपको चांसेस ज्यादा है, तो उस कारण आप। थैंक यू हर्ष। जैक्सन हेलो, डज स्ट्रेस प्ले एनी रोल इन ब्लड कैंसर डेवलपमेंट सर?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है वो इजी होते हुए भी बहुत कठिन है। इजी इसलिए है कि ज्यादातर बीमारियों में जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि अगर आप कोई भी बीमारी है आपको और अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो शायद कम है एक लेवल से ज्यादा। थोड़ा स्ट्रेस बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, एकदम कम स्ट्रेस या एकदम ज्यादा स्ट्रेस ज्यादातर बीमारियों में सही नहीं है। तो अगर ब्लड कैंसर है आपको या आपके किसी रिलेटिव को या बच्चे को तो उसमें स्वाभाविक है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, पर डॉक्टर से मिलके समझ के आज की तारीख में पीडियाट्रिक ब्लड कैंसर के रिजल्ट 80-90% से भी ज्यादा है डिपेंडिंग ऑन कौन सा आपको ब्लड कैंसर है। तो वो समझने के बाद आपको ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करानी चाहिए और बहुत ज्यादा इस बारे में विश्वास करें डॉक्टर पे, बहुत ज्यादा नहीं सोच के आगे ट्रीटमेंट जाना चाहिए। स्ट्रेस के कारण जो रिजल्ट है इस पे स्टडीज करना बहुत मुश्किल है, पर सबका ऐसा बिल्कुल एक्सपीरियंस है और मानना है कि उससे रिजल्ट कम आते हैं जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और रेस्पॉन्स थोड़ा कम रहता है ज्यादा स्ट्रेस। राइट, थैंक यू सर. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जेम्स. कैन स्टेइंग फिजिकली फिट एंड एक्टिव रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लड कैंसर? जी सो अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रिस्क रिड्यूस करने से ज्यादा जो लोग फिजिकली एक्टिव फिट रहते हैं उनमें ट्रीटमेंट टॉलरेट करने की, जो भी उनको बीमारी हो जाए ब्लड कैंसर या कोई और बीमारी, उनको उसका इलाज सहन करने की जो कैपेसिटी है बहुत अच्छी होती है। जो फिजिकली फिट नहीं होते हैं वो कीमोथेरेपी को इजीली टॉलरेट नहीं कर पाते और उनको कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन जो फिजिकली फिट हैं, जो बहुत एक्टिव हैं, वो इन कीमोथेरेपी को बहुत इजीली कई बार टॉलरेट कर पाते हैं। और खासकर बच्चे जिनकी इम्यूनिटी वैसे ही एकदम नाइव होती है या एकदम नई इम्यूनिटी होती है, उनको कोई व्यसन भी नहीं होता है स्मोकिंग टोबैको ड्रिंकिंग, इनमें से कोई उनको आदतें नहीं होती खराब, तो उनको बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छा काम करते हैं तो वो टॉलरेट कीमोथेरेपी बहुत अच्छे करते हैं। तो फिट रहिए तो आप कोई भी बीमारी होगी उसका ट्रीटमेंट अच्छे से टॉलरेट कर पाएंगे। बिल्कुल सर, दैट वाज हेलो आशुतोष, एंड हिज क्वेश्चन इज डॉक्टर, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज ऑफ ब्लड कैंसर? जी सो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा आता है क्योंकि जो सारे दूसरे कैंसर्स हैं उनमें स्टेजिंग होता है। और स्टेजिंग होता है तो स्टेजिंग इस तरीके से होता है कि अगर आपको एक जगह पे कैंसर है, जो सॉलिड ट्यूमर की बात कर रहे हैं उसमें अगर आपको एक जगह कैंसर है, जैसे आपको अगर लंग का कैंसर है या ब्रेस्ट का कैंसर है, तो वो उसी जगह है, छोटा है तो स्टेज 1 है। फिर जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ती है या वो दूर दूर फैलता है वो स्टेज बढ़ता जाता है। तो ज्यादातर सॉलिड ट्यूमर्स में ये कैंसर की स्टेजिंग स्टेज 1, 2, 3 और 4 तक जाती है। ब्लड कैंसर में ऐसा नहीं है। ब्लड कैंसर में अगर आपको डिजीज है तो वो कैंसर आपके ब्लड में है, ब्लड आपका हर जगह जाता है, पूरे जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं जो आर्टरीज और वेन्स हमें कहते हैं उसमें ब्लड जाता है। तो स्टेजिंग नहीं करते हम ब्लड कैंसर को जो करते हैं, जो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वो रिस्क से करते हैं। तो हम बोलते हैं कि ब्लड कैंसर में रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब कि लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, इंटरमीडिएट जिसको मीडियम में बोलते हैं, या हाई रिस्क है या बहुत ज्यादा हाई रिस्क। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे भी स्टेजिंग का इंपॉर्टेंस है उसी टाइप का इसका इंपॉर्टेंस है। अगर लो रिस्क होगा, ये बताता है लो रिस्क पुराने सारे एक्सपीरियंस स्टडीज के कारण कि ये ट्रीटमेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, क्योर होने में बहुत इजीली क्योर। जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है क्योर का परसेंटेज थोड़ा कम होता है, कॉम्प्लिकेशन होने की रिस्क थोड़ी ज्यादा बढ़ती है। इसके साथ साथ जो हायर रिस्क होते हैं उन्हीं में जो हमने बात की, जो हमारा आज का मेन टॉपिक का जो फोकस था कि उनमें या जो बीमारी वापस आती है उनमें ट्रांसप्लांट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोअर रिस्क में हमें ज्यादातर जो कॉमन होता है वो लोअर रिस्क होता है, हाई रिस्क कम होता है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। तो कॉमन वाले केवल कीमोथेरेपी से क्योर हो जाते हैं, वो रिलैप्स भी कम करते हैं, पर जो हाई रिस्क वाले या रिलैप्स हैं उन्हीं में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का रोल। थैंक यू डॉक्टर. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू द ब्लड कैंसर? आई थिंक यू ऑलरेडी आंसर दिस क्वेश्चन, बट यस डायरेक्टली दे डोंट कॉज ब्लड कैंसर्स, दे कॉज अदर काइंड ऑफ कैंसर्स यस, पर ब्लड कैंसर के लिए आंसर इज नो। बट इनडायरेक्टली
इनके कारण आपके ऑर्गन्स खराब होंगे, तो अगर आपको ब्लड कैंसर है तो आपके ट्रीटमेंट में बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट एडवाइजेबल फॉर एनीवन फॉर एनी कंडीशन, जो भी उसका ट्रीटमेंट की जब बात आएगी तो वो प्रॉब्लम करेगी। Thank you, sir. Sir Jamin is asking that if I got sick and had a blood transfusion from a person having a cancer unknowingly, will I get affected by a cancer too, since other person's blood already has it, or any mild health issues? This is very interesting question. बहुत इंटरेस्टिंग, बट बहुत होगा नहीं ऐसा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको जो ब्लड मिलेगा वो आप, ऐसा तो है नहीं कि हम आज से 100 साल पहले हैं कि आप एक वेन एक साइड है जो फिल्म में दिखाते हैं, दूसरी वेन दूसरी साइड है और आपको ब्लड चढ़ गया। आज की तारीख में जो ब्लड कलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही एकदम मेटिकुलस हो गया है। इसका मतलब अगर आप को कोई भी प्रॉब्लम है आप ब्लड डोनेट ही नहीं कर सकते, आप रिजेक्टेड हो जाएंगे। तो जो आपको ब्लड बैग मिलेगा ट्रांसफ्यूजन के लिए उसमें ये सब चेक हो चुका होता है, तो होगा नहीं। अगर फिर भी मैं हाइपोथेटिकली इस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ क्योंकि ये पूछा गया है, तो अगर आपको फिर भी ऐसा ब्लड चढ़ जाता है तो आपको क्योंकि आपके बोन मैरो ठीक है, आपको स्टेम सेल्स ठीक है, तो कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हाँ, वो जो सेल्स हैं आपकी बॉडी में गए हैं तो कुछ रिएक्ट करके कुछ जस्ट इमीडिएट टाइम में कुछ आपको रिएक्शन कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, लॉन्ग टर्म में नहीं प्रॉब्लम आना चाहिए, पर ऐसा होगा ही नहीं। Thank you, doctor. So next question is from Pratik. Does diet play any part in the development or prevention of the blood cancer? Yes, दोनों में इसका आंसर है कि अगर अच्छी डाइट होगी तो आपको किसी भी कैंसर की होने की रिस्क थोड़ी शायद कम हो। अगेन इनके, मैंने जैसे बताया इनके ब्लड कैंसर के कॉज हमें 95% केस में पता नहीं है, लेकिन जो अच्छी डाइट अच्छी हेल्थ में होते हैं शायद कम उनको कैंसर हो। डेवलपमेंट में हाँ, जिनका डाइटरी बहुत कम है, जो बहुत वीक है, जिनका वेट उनके हाइट या एज के हिसाब से कम है, उनके अंदर शायद ब्लड कैंसर थोड़ा फास्ट डेवलप करे, पर इन पे बहुत स्टडीज करना मुश्किल है। पर हम ज्यादातर ऐसा देखते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं उनमें ये जो ब्लड कैंसर है वो ज्यादा फास्ट फैलता है बॉडी के अंदर। Thank you, Pratik. So next question, can you leave a normal day-to-day life during a blood cancer treatment? नहीं, तो unfortunately जब हम कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, और प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं केवल इसीलिए हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ नहीं जी सकते। ऐसा नहीं है कि हम घर पे रह के हम काम कर सकते हैं, डे टू डे के जो काम है घर पे रह के कर सकते हैं। पर अगर आप पूछें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम बाहर घूमने जाते हैं, हम तो मूवीज भी देखते हैं, हम गार्डन में घूमने जाते हैं, वो नहीं कर सकते क्योंकि हमें कीमोथेरेपी मिल रहा है, और कीमोथेरेपी मिलने के कारण हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, और इम्यूनिटी कम होने के कारण हमें इन्फेक्शन की रिस्क है, और इन्फेक्शन ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट या किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इसलिए आप उस तरीके से नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, और कुछ दिन जब कीमो का थोड़ा ज्यादा साइड इफेक्ट आ रहा है उस दिन आप नॉर्मल नहीं, बाकी आप घर पे सब काम। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं तो बोलते हैं हमारे बच्चे तो घर पे पूरा खेल रहे हैं मस्ती कर रहे हैं, बीच में कुछ एक आध दिन आता है जब उनको थोड़ा बहुत बुखार या कुछ और तकलीफ हो तो ये बाकी अच्छा रहता है, पर बाहर जाना और आउटसाइड होम अवॉइडेड ये रहता है। Thank you, doctor. So next question is, I've heard positivity help in healing cancer. Is it true? Yes. So इस पे हम आंसर कर चुके हैं कि जो अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड पॉजिटिव फिट रखेंगे स्ट्रेस के बिना रखेंगे तो सारी बीमारियों के जो ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं इंक्लूडिंग कीमोथेरेपी के। पर कीमोथेरेपी के थ्रू तो आपको फिर भी जाना पड़ेगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वर्षा। मल्टीपल माइलोमा इज ब्लड कैंसर, बोन मैरो बायोप्सी इज डिटरमाइन स्टेजिंग ऑफ कैंसर। यस, तो अभी जो मल्टीपल माइलोमा है डेफिनेटली एक टाइप का कैंसर है जो ब्लड को इफेक्ट करता है,
लेकिन ये एडल्ट्स में पाया जाता है, बच्चों में नहीं। एक एज के बाद एडल्ट्स में ये कैंसर ब्लड के सेल्स में जो एक प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर से ये प्रोड्यूस होता है तो किया जाता है। और यस, इनके वर्कअप के अंदर डिफरेंट दूसरे टेस्ट्स के साथ जो ब्लड से किए जाते हैं उसके साथ बोन मैरो की टेस्टिंग भी होती है। इनमें एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स को हम देखते हैं जो कि प्लाज्मा सेल्स कहलाते हैं, वो पता लगाते हैं कि बोन मैरो के अंदर भी मल्टीपल माइलोमा का कैसा कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वर्षा। इफ यस सर, वर्षा से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ यस, बोन मैरो बायोप्सी इज यूज टू डिटरमाइन द स्टेजिंग ऑफ कैंसर फ्रॉम स्मोल्डरिंग, यस। तो ये इनका जो क्वेश्चन है वो डिटेल्ड क्वेश्चन है माइलोमा के अंदर। माइलोमा के टाइप्स होते हैं, स्टेजिंग की जगह माइलोमा के भी जो रिस्क वाले टाइप्स हैं उसमें से जो स्मोल्डरिंग एक टाइप है। तो यस, उसको डिफरेंशिएट करने में बहुत दूसरे टेस्ट भी और बोन मैरो का भी रोल होता है। यस थैंक यू वर्षा। आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर अ वंडरफुल सेशन। दिस वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। सर, डू यू वॉन्ट टू शेयर एनी फाइनल मैसेज टू अवर व्यूअर्स? यस। सो मेरा लास्ट जो पार्टिंग थॉट है वो यही है कि अगर सस्पिशन है ब्लड कैंसर का तो ट्रीटमेंट में वेट ना करें। गो टू अ हेमाटोलॉजिस्ट, टू अ सेंटर जो आपका पीडियाट्रिशियन रिकमेंड करें या आपके सोसाइटी से या आपके आपके रिसर्च से आपको पता लगे उस सेंटर पे जाइए, उन डॉक्टर से मिलिए और जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट कीजिए। आज की तारीख में बच्चों के सारे कैंसर्स इंक्लूडिंग ब्लड कैंसर्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो वेट नहीं कीजिए। वेट करने पे ये डिजीज बढ़ती है, रिस्क बढ़ता है और रिस्क बढ़ने के कारण रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंडरी है कि एक बार मिलने के बाद आप कॉस्ट के बारे में जानकारी कीजिए। उसके बाद कॉस्ट पे देखिए, बहुत इंडिया में बहुत कॉमन है कि कॉस्ट जब सुनते हैं, अनफॉर्चुनेटली कैंसर्स की दवाइयां और ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा है, तो जब कॉस्ट सुन के पेशेंट्स घबरा जाते हैं और ट्रीटमेंट नहीं कराते। ऐसा भी नहीं करना है। आज की तारीख में बहुत हेल्प है एनजीओस की तरफ से, सोसाइटीज की तरफ से, गवर्नमेंट लेवल पे बहुत हेल्प है। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको उनके लोकल एमएलएज एमपीज की तरफ से हेल्प आती है। उनको को गुजरात, जैसे हम रहे हैं तो गुजरात में चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से हेल्प आती है, ऑल द वे अप टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो हेल्प है। और कैंसर ऐसा है कि आपको हेल्प में इजीली मिलती है, वो मना नहीं करेंगे, वो भी जानते हैं कि ट्रीटमेंट कितना जरूरी है इस चीज के लिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओ हैं उनकी तरफ से बहुत हेल्प। और उसके अलावा हॉस्पिटल खुद भी कई बार इनमें आपको गाइडेंस दे सकता है कि कहाँ कहाँ से हेल्प मिलती है, वो जरूर। और एक लेवल के बाद अगर ट्रांसप्लांट का रोल आता है, सेम वे ट्रांसप्लांट में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल हेल्प है, तो वो लीजिए और ट्रीटमेंट कराइए। दिस वाज माय मोटिव, जो आज फर्स्ट ही डे है सितंबर का, दिस वाज माय मोटिव कि ये एक मैसेज जरूर पास करना है कि वेट और डिले किसी भी कारण से मत कीजिए। अगर आपको एक जगह सूट नहीं हो रहा है तो दूसरे सेंटर पे, पर आप ट्रीटमेंट पे वेट मत कीजिए। क्योंकि जो चीज है जिसको आप बिल्कुल सेव कर सकते हैं, कैंसर का बिना इलाज ब्लड कैंसर में आपको सर्वाइवल की कोई चांसेस नहीं। और जो ट्रीटमेंट के साथ, जैसा कि मैंने बताया, 80 कुछ कुछ केस में 90%+ में चांसेस है, तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। जो प्रोसेस है उससे गुजरना है और उसके बाद ज्यादातर हमारे पेशेंट्स बच्चे जो है क्योर होके चले जाते हैं। तो वेट नहीं, टाइमली ट्रीटमेंट, इसी मोटो के साथ जो सेप्टेम्बर का जो चाइल्डहुड कैंसर मंथ है, यही मेरा एक पार्टिंग मैसेज है, फाइनल मैसेज है। उसके साथ आई वांट टू थैंक एवरीवन जिन्होंने आज हमको ज्वाइन किया और मुझे मौका दिया कि मैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो सबके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर हेमंत। थैंक यू व्यूअर्स। थैंक यू सो मच सर।